पक्की सराय चौक स्थित एक निजी नर्सिंग होम में बच्चे की मौत के बाद तोड़फोड़। परिजनों ने टायर जलाकर किया सड़क जाम। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के पक्की सराय चौक पर मंगलवार को बच्चे की मौत पर परिजनों ने जमकर बवाल काटा। निजी नर्सिंग होम में जमकर तोड़फोड़ किया, सड़क पर टायर जलाकर आगजनी करते हुए सड़क जाम कर दिया। अस्पताल के डॉक्टर और कर्मियों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग करने लगे। तोड़फोड़ से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। तिनकोठिया के मोहम्मद आजाद ने बताया कि उनके 1.5 वर्षीय पुत्र शहजाद की तबीयत देर रात अचानक से खराब हो गई। उसे दस्त और उल्टी हो रही थी। पक्की सराय चौक स्थित निजी नर्सिंग होम में लेकर पहुंचे, वहां पर दवा और सुई दे दिया, कहा सुबह लेकर आना। डॉक्टर की बात मानकर वे लोग बच्चे को लेकर घर चले गए। आजाद ने बताया कि मंगलवार को दोबारा बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, वह अचेत हो गया। आनन फानन में उसे लेकर फिर उसी नर्सिंग होम में गए। वहां पर एक डॉक्टर ने बच्चे के हाथ का नस पकड़कर कह दिया कि उसकी मौत हो चुकी है। वे लोग वहां से घर चले गए। कुछ देर बाद बच्चे ने अपने पिता की उंगली पकड़ी तो सभी दंग रह गए। उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, उन्होंने कहा कि आधा घंटा पहले आते तो बच्चे की जान बच सकती थी, बच्चा मर चुका है। सुनकर काफी आक्रोशित हो गए। बच्चे का शव लेकर पहुंचे और कर्मियों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ करने लगे। कर्मियों की जमकर पिटाई की। आक्रोश देखकर डॉक्टर और सभी कर्मी अस्पताल से फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची मिठनपुरा थाना अध्यक्ष ने आक्रोशितों को समझा बुझाकर शांत कराया। हुआ है क्या कि मतलब कि रात में 1:30 बजे मेरे बेटा को दस्त था, पेट में उल्टी होने लगा, ठीक है सर। तो उसके बाद यहाँ लेके आए तो क्या किया, सुई लगा दिया, आपको टिकिया दे दिया, लेके चले गए 6 बजे। उसके बाद 6 बजे लेके आने के लिए सर, 6 बजे लेके आए, खाली नस पकड़ा है, क्या बोल रहा है कि डेड कर गया। और उसके बाद फिर हम लेके घर गए, घर लेके गए सर, तो 2 घंटे के बाद मेरा बेटा आँख खोल के मेरा उंगली ऐसे पकड़ा, और उसके बाद आँख खोला, मेरी उंगली पकड़ा, मेरा बेटा सीधे हम जीवन सफर लेके भागे अपने दोस्त हॉस्पिटल में। तो वहाँ क्या बोला हमको, आधा घंटा पहले लेके आता ना बेटा तो तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा बच जाता। पहले बोल देता मेरे बच्चा जिंदा है, बच्चा जिंदा, आप ले जाइए दूसरे। रानी लॉज, नाम मोहम्मद आजाद, बच्चा का 1.5 साल, यही दवाई खिलाते, यही दवाई। मामला है कि अस्पताल में एक बच्चा के इलाज में आया था, बच्चे का मृत्यु हो गई है। उनके परिजन का आरोप है अस्पताल प्रशासक पर कि गलत इलाज के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। तो इस संबंध में हम लोग देखते हैं, मृतक का परिजन अगर FIR करते हैं तो हम FIR करेंगे, जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी। अस्पताल प्रबंधन की रिपोर्ट वही सामने आई है, अब ये तो जांच का विषय है ना, ये तो जांच का विषय है। तोड़फोड़ हुआ है, सड़क जाम हुआ है, तो कार्रवाई होगी, जिसने तोड़फोड़ किया सब पर कार्रवाई होगी, कानून का हाथ में लेने का किसी का अधिकार नहीं।